हेलो फ्रेंड्स, मैंगो का टाइम शुरू हो चुका है। हर घर में मैंगोज आ रहे हैं, तो आज हम मैंगो की आइसक्रीम बनाते हैं। बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी मैं, फटाफट बनने वाली। इसके लिए मैंने ये दो आम लिए हैं, ये हाफ लीटर दूध लिया है, ये 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर है, ये 2 टेबल स्पून शुगर है पिसी हुई, चीनी पीस ली है मैंने मिक्सी में, और ये 1 कप क्रीम है, ये कॉर्नफ्लोर लूंगी मैं, और ये थोड़ा सा वेनिला एसेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गैस पे हम ये अपना दूध को बॉईल होने रख देते हैं। मैंने गैस पे अपना 1/2 किलो दूध बॉईल होने रख दिया है। ये थोड़ा सा मैंने रोक लिया है क्योंकि इसमें मैं कॉर्नफ्लोर अपना घोलूंगी। जब तक दूध में अपने बॉयल आ रहा है, तब तक हम अपने आम को छील लेते हैं। से अपने आम को छील लेंगे और इसका पल्प काट के एक बोल में निकाल लेंगे। अपने से हमने आम का अपना पल्प निकाल लिया है। अब देखते हैं, उधर दूध में उबाल आ गया है, अब उसमें हम अपना कॉर्नफ्लोर और शुगर डाल लेते हैं। ये देखिए, दूध अपना उबलने लगा है। अब इसमें मैंने ये जो 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर लिया था, उसको दूध में घोल लिया था। अब इसको धीरे धीरे डालते जाएंगे और दूध में मिला देंगे। और साथ में ही अपनी 2 टेबल स्पून जो पाउडर शुगर ली थी, वो भी इसी में मिलाते हैं। ये देखिए, अपना दूध कॉर्नफ्लोर डालते ही गाढ़ा हो गया है। बस एक दो बाल आएंगे। ये देखिए, अपना दूध अपना गाढ़ा हो गया है। देखिए, दूध अपना अच्छे से उबल गया है, गाढ़ा हो गया है। अब मैं गैस को बंद कर देती हूँ और ये जब 1/2 घंटे बाद थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तब हम इसको आगे मैंगो के प्यूरी के साथ इसको मिक्सी में ग्राइंड करेंगे। ये मैं गैस बंद कर रही हूँ। ये देखिए, अपना दूध ठंडा होके और भी गाढ़ा हो गया है। मैंने इसमें 2 टेबल स्पून ही शुगर डाली है। अगर आप लोग को ज़्यादा मीठा पसंद हो तो आप ज़्यादा डाल लीजिए, क्योंकि आम भी मीठा होता है, इसलिए मैंने कम शुगर डाली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। अब ये जो दो हमने आम अपने काटे थे, इसको हम पहले इसकी प्यूरी बना लेंगे। ये देखिए, अपने आम की प्यूरी बन गई है। अब इसमें हम अपने 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर और ये जो अपन ने 1 बोल क्रीम रखी थी, ये इसमें डाल देंगे। और जो ये हमने अपना दूध बनाया था कॉर्नफ्लोर वाला, ये सब इसमें डाल देंगे। ये देखिए, अपना सारा कितना अच्छे से गाढ़ा गाढ़ा पिस गया है। अब हम इसको 2 घंटे के लिए फ्रिज में सेट होने रखेंगे और 2 घंटे बाद इसको फिर एक बार मिक्सी को चलाएंगे। ये देखिए, मैंने इसमें अपनी आइसक्रीम डाल दी है और इसको 2 घंटे के लिए मैं फ्रिज में रखूंगी और इसको फिर 2 घंटे बाद ये मिक्सी को मैं ऐसे ही फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि इसी में हमको वापस चलाना है। तो अब 2 घंटे बाद मैं आपको दिखाऊंगी ये कैसी हुई है। ये देखिए, 2 घंटे हो चुके हैं, अपनी आइसक्रीम थोड़ी थोड़ी जम चुकी है। ये देखिए, अब हम इसको चम्मच से थोड़ा सा तोड़ लेंगे और एक बार इसको क्रश कर देंगे और वापस इसको फिर से हम जमाएंगे। मिक्सी में मैं डाल रही हूँ इसके पीसेस। ये देखिए,
अच्छे से अपनी कितनी क्रीमी आइसक्रीम जमी हुई है। अब इसको वापस के लिए ये मैंने एक आम की स्लाइस काट ली थी और इसमें इस तरह से महीन महीन कट लगा ली है मैंने, इधर रेक्टेंगल और ट्रायंगल, और अब स्पून के उससे निकाल निकाल के थोड़े से इसमें अब मैं मैंगो के महीन महीन पीसेस को मिला दूंगी, तो जिससे कि जब अपने खाएंगे ना तो इसमें बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, बीच में मैंगो के पीसेस आते हैं आइसक्रीम में। अब ये देखिए ऐसे स्पून से इसको मिला दूंगी। बस अब हम इसको फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देते हैं। 6-7 घंटे हो चुके हैं और अपनी आइसक्रीम एकदम जम चुकी है।